गुड इवनिंग स्टूडेंट। टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। क्लास हो रहा है ना, 2 दिन बाद क्लास आ रही है। शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हॉस्टल वार्डन में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो टेस्ट सेकंड नंबर रहेगा आपको कंप्यूटर का रहेगा, जो कि 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक है। YouTube आप देख सकते हैं। इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी आपको आगे जो नोटिफिकेशन आएगा हमारा YouTube चैनल का आपको मिल जाएगा। तो फिजियोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 1 है। इसका PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रुप पर मिलेगा जी। ठीक, इसका PDF आपको WhatsApp ग्रुप पर मिलेगा, निःशुल्क है, YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और मेंबरशिप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम फीस आपको 599 रुपये है। पहली बार आए तो चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 200 300 500 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत ही कम जाता है। तो लाइक करने में क्या दिक्कत है भाई, है आप, हम सभी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आप लोग जिसको तैयारी करना है आ जाइएगा फटाफट, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब देखिए पाठ ही है उसका, तो मनोविज्ञान होता क्या है, तो यहाँ पर मनोविज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन। टोटल हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, साथ ही इसमें जो नोट्स रहेगा उसको भी लास्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक, इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% आपको तैयारी जरूर होगा, 90%। ठीक, इसका आंसर अगर जिसको मालूम है आप लोग कमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं, बताने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। एक बार में आपका नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। एक बार आप 40 तक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखिए कितना आपका सही होता है, कितना गलत होता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड पार्ट में जैसे कि आप वीडियो को देखेंगे पीस करके, दोबारा वीडियो को देखेंगे, तीसरा बार देखेंगे, तो पहला बार में आपका नहीं होगा क्लियर, दूसरा बार में थोड़ा बहुत होगा, तीसरा बार में परफेक्ट क्लियर होगा, चौथा बार वीडियो देख के जाना और लाइक अवश्य करना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा आपका बी, विलियम जेम्स। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है, तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता क्या है, आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिंटोनी, है ना। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोर्स को, हॉस्टल वार्डन या फिर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक या शिक्षक भर्ती का, तो आप इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, 93 99 27 87, अरे आपका 82, इस नंबर आप मैसेज कर सकते हैं बिंदास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज अवश्य कीजिएगा। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्म प्रेम। तीसरा है ईकिर्सन, यानी कि ईवीकिशन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आप बताइएगा 8 6 7 9। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टोटल हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और सभी लोग आंसर दीजिएगा, ताकि अगर टेस्ट अगर दिला भी रहे हैं तो आपका अनुभव हो सके। ठीक, आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक, अपने हिसाब से पहला 1 से 40 तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप कितना सही होता है कितना गलत होता है आप सबसे अंत में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तीसरा का आपका आंसर होगा जी 8। ठीक है, तो ये इरिकेशन के जो मनोलैंगिक जो विकास है वो 8 प्रकार के होते हैं। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है, प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्य का या पाठ्य वस्तु का। तो वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सके। ये आपका चौथा क्लास है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक, लाइव क्लास के बारे में बात करूं तो लाइव क्लास आपका 9 बजे रहती है। ठीक है, 9 बजे क्लास टाइमिंग हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल अभी 9 चल रही थी उसको बता दिया। ठीक, इसका आंसर होगा चौथा का, उद्देश्य का। ठीक है, इसका उद्देश्य आएगा। चलिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे।
सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक की अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो जो सुपर ईगो होता है वो किस विकास में, किस मनोलैंगिक की अवस्था में सबसे अधिक होता है? चलिए देखेंगे, ऑप्शन ए बुद्ध अवस्था, ऑप्शन बी अवस्था जननेंद्रिय अवस्था, या यौन प्रधान अवस्था। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? तो अव्यक्त अवस्था, यानी कि आंसर बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। इस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन भी ध्यान देना चाहिए, तो चेतन मन के साथ भी अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी टाइडमैन, या ऑप्शन डी फ्रॉय। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेरे को। ठीक, चलिए टेस्ट है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा जी डी फ्रायर, फ्रॉयट। चलिए, फ्रॉयट के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो जो फ्रायड होता है जी, ठीक, एक वैज्ञानिक नाम है, उसके अनुसार कहा गया है कि व्यवहार का मौलिक कारण क्या है, असामान्य व्यवहार। जैसे देखिए नॉर्मल व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार असामान्य व्यवहार है ना। और फिर क्या हुआ? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, या कोई नहीं। तो सातवां का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सातवां का आंसर होगा आंशिक। क्या होगा? आंशिक दमन। ठीक, वेरी गुड। चलिए जितने लोगों को आंशिक दमन आया है उनका सही है ना। मैं पहले आप ही को बताया था, तो 1 से 40 तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप 40 में कितने सही हैं। कितना सही है आपका? 10, 15, 20, जितने भी सही है आप कमेंट बॉक्सों में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ जी। चलिए आठवां क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा की अवस्था, सॉरी अवधारणा, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? कौन से मनोविज्ञान के संप्रदाय ने दी है? गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, या व्यवहारवाद? तो आठवां का आपका क्या आ जाएगा जी, कमेंट करके बताइएगा जरा। इसका आंसर होगा जी, जितने लोगों को आंसर सी आ रहा है वो मनोविश्लेषणवाद होगा। इसका आंसर सी है। नौवां प्रश्न कहता है कि मनोविज्ञान के आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो कौन सा कथन है जी? स्किनर के अनुसार, वुडवर्थ, मैकडूगल, वाटसन। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान का कथन, तो इसका आंसर आपका हो जी मैकडूगल, आंसर सी। जितने लोगों का आया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक, क्या पूछा गया है? शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान किया जाती है, तो निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, या उपयुक्त सभी। दसवां का आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित स्थान पर, ऑप्शन ए। कितने लोगों का सही आया है आप लोग कमेंट करके बताएं। मनोव्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो मनोव्यवहार है आपका, अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये अभी क्वेश्चन देखें क्या, ग्यारहवा का क्वेश्चन देखे हैं क्या अभी? बिल्कुल देखिए, स्किनर, मनोव्यवहार और अनुभव का विज्ञान, जो मनो, देखिए मनो विज्ञान, ठीक, मनोविज्ञान का व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, दोनों में अंतर है ना जी। ये किसका कथन है? स्किनर का कथन। चलिए 12वां क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक, योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुपक्षीय, मनोविज्ञान, सामूहिक शिक्षण, या उपरोक्त सभी। तो 12 का आंसर आपका होगा जी सभी, क्योंकि पूछा क्या गया है, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक, योग्यता का विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षा में रखा जाता है? तो बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान के शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। ठीक, चलिए आप लोग कितना आंसर सही है कितना गलत है कमेंट करके बताएंगे।
नेक्स्ट देखें, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? जो वर्तमान में शिक्षा है मनोविज्ञान किस अवस्था में, कौन सा अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या वृद्धावस्था? सभी को मालूम है कि वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आगे मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन का तो आप बिल्कुल, या शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक उन्हीं के लिए है ना, कवर हो ही जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा जी 13 का शैशवावस्था। क्या होगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था। ठीक, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? अब देखिए, ऐसा कौन सा विधि है जो लंबात्मक विधि, कार्ल गैसी, गैरिसस ने, जॉन ड्यूई ने, जॉन लॉक ने, या कोई नहीं? तो 14 का आंसर क्या होगा जी? तो 14 का आंसर हो जाएगा कार्ल लॉक। ऑप्शन ए कार्ल सी गैरिसन ने। 15 है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। चलिए मान लेते हैं एक आधुनिक काल में परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपनी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, पृथक का मतलब अलग कर लिया, तो यह कथन किसने कहा? रायबर्न ने, वी का, इमविल, गैरिट का? तो इसका आंसर होगा आपका ए रायबर्न। क्या हो जाएगा? रायबर्न। याद रखना आधुनिक काल में परिवर्तन हुआ था, रायबर्न, ऐसा याद रखना। ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका भी बहुत सारा होता है। ठीक, तो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया, किसने कहा है? तो रायबर्न ने कहा है। ठीक, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? अब देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जॉन डुई ने, डगलस, पेस्टोलॉजी, स्किनर। तो क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। पेस्टोलॉजी पढ़े ने जी, पेस्टोलॉजी। ठीक, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। मैं आप सभी को शुरू से अंत तक कहूंगा, सबसे पहले अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक रहता है आप एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक, ये तीनों ही जॉब पाने का रूल है, जिसको सप्लाई कर लिया, जिसको आप इस थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर, मैं गारंटी लेता हूँ 90% आपका तैयारी जरूर होगा। ठीक, प्ले वे पुस्तक के रचयिता, अब प्ले वे बोल रहा है, चलिए प्ले कर लेते हैं भाई। ट्रॉय, वाटसन, मन, हेनरी कार्ल द वेल कुक। इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा हेनरी कार्ल, कार्ल द वेल, हेनरी कार्ल द वेल कुक। जी बिल्कुल जी। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षा, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। तो 18 का क्या हो जाएगा? बालक। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। इस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है। तो देखिएगा, ऐसा कौन सा विधि है, प्रयोग है, जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है दो भागों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग निरीक्षण किया जाता है। समझ में आया? मतलब देखो, ऐसा कौन सा विधि है पूछा गया है जिसके दौरान व्यक्ति का जो मस्तिष्क का होता है, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, ठीक, मस्तिष्क का है, उसको दो पार्ट, ठीक है, दो पार्ट में उसको विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो जिसमें एक भाग क्या किया जाता है, एक भाग को निरीक्षण किया जाता है और दूसरे भाग को भी निरीक्षण किया जाता है, वो आपका अंतर्दर्शन, जीवन, इतिहास, प्रयोगात्मक, चरित्र, लेखन। तो 19 का आंसर क्या होगा जी? तो अंतर्दर्शन, अंत। अब देखिए, विभाजित कर रहा है मतलब अंत कर रहा है उसको,
दर्शन इस प्रकार याद कर सकते हो, है ना। पानी बहुत प्यास लगता है जी, क्या करोगे, गला सूखता है, क्या है, चिल्लाओगे बोलोगे ना, गला सूखता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को तो लाइक करिएगा, है ना, लाइक रुकना नहीं चाहिए ना, लाइक रुकना नहीं चाहिए। सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, चलिए बताइए। स्किनर अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इटली, कहाँ का जी स्किनर, याद रखना, स्किनर, स्किनर जो है आपका अमेरिका, याद रखना, ओके। चलिए कितने क्वेश्चन हमने किए, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अभी बाकी है, उसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी मानसिक दशा को पता लगाना किस विधि है, तो प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन, या चरित्र लेखन। तो क्या होगा, तो व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा 21 का निरीक्षण, ऑप्शन 2। मनोविज्ञान के संबंध में कौन, सॉरी, क्रो एंड को परिभाषित है, ऑप्शन ए मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य। ऑप्शन बी कहता है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। चौथा कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्रो एंड को परिभाषित है, क्रो एंड को परिभाषित है। इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर देखिए, क्रो एंड डेफिनेशन, ओके। तो मनोविज्ञान के संबंध में, ठीक, क्रो एंड को परिभाषित है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसका भी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर, कोई व्यक्ति है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन ही तथा धारणा ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता है, अरस्तु, वाटसन, रूसो, वुड। इसका आंसर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के आत्मा, ये सभी आपका अरस्तु आएगा। 24 का देखेंगे, 24 क्या कहता है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, तो स्किनर की परिभाषा है मुझे बच्चा दो, ये तो हो चुका है क्या जी, हो चुका है, चले कोई दिक्कत नहीं। 25वां है सटीक, 25वां है मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया, वाल, टाइडमैन, वो, टिंचर। तो इसका आंसर होगा शक्ति मनोविज्ञान, मनो वि ज्ञान, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, वाल, नोट कर लो, वाल। इसका पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, प्रश्नावली, प्लेटो, लोविट, वुडवर्थ, ब्रूनर। क्या आएगा जी 26 का, वुडवर्थ। इसका आंसर आएगा सी, ठीक। आप सभी लोग जितने भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको बेनिफिट इसलिए रहेगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आप एक से, अगर मैं आप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसमें आप सभी अगर स्टार्टिंग में एक पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा लंबा वीडियो, 1 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत सारे गलत होंगे, बहुत सारे सही होंगे। इससे आपके लिए मैं एक रूल बता रहा हूँ, वीडियो को एक नहीं, वीडियो को दो नहीं, वीडियो को सिर्फ 3 बार देखना, वीडियो को 3 बार देखना, इसका रूल है, आप सभी के लिए देखेंगे। इसका रूल कहता है कि
अगर पहले बार देखेंगे तो आपको 50% गलत होगा, दूसरा बार देखेंगे 25% आपका यानी कि 25 गलत होगा, तीसरा परसेंट आपका 5% गलत होगा, बाकी चौथा बार में आपका 100 सही होगा। अगर ये फॉलो करना है डेली मेरे चैनल में यूट्यूब पर डेली क्लास आ रही है ना, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को क्या करोगे, एक बार शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, दूसरी बात है वीडियो को लाइक करना, ठीक, तीसरी बात है सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, है ठीक। चलिए 2700 क्वेश्चन कहता है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है, तो अंत दर्शन, बहि दर्शन, प्रयोगात्मा के जीव विज्ञान, इसका आंसर होगा आपका ए, अंतरदर्शन, सॉरी ना, सॉरी सॉरी क्या जी, थोड़ा धूल थोड़ उला रहा है ना बाहर से, है ना, बहुत चले। 2800 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बचा है जी, बहुत सारा क्वेश्चन बचा है जी। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, देखिए आप खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है पूछा गया, आसानी से सरल है, सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता या भौतिकता का, देखिए खेल से संबंधित पूछा गया है तो इसका क्या आएगा, खेल, खेल के माध्यम से समाज में तो खेलेगा भाई, समाज में क्या करेगा, खेलेगा है ठीक। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि तो कौन सी विधि है, अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मा के जीवन इतिहास, तो 29 का आपका क्वेश्चन होगा जी कौन सा, 29 का प्रयोगात्मा, क्या होगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मा, बिल्कुल सही ठीक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक क्या है, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है जी, वाटसन, जीन पियाजे व बुनर, कोलकर, कोपा या कोई नहीं, तो 30 का आंसर आपका होगा जीन पियाजे, क्या हो जाएगा जीन पियाजे, वेरी गुड, इतने लोगों का आंसर ऑप्शन बी आया ना, बिल्कुल सही है ठीक है। मेरी बातें याद रखना, अगर आपको क्लास कंटिन्यू करनी है, क्लास अभी चल रही है आपको 4th का, ठीक, अगर कंटिन्यू करना है तो चैनल को सबसे पहले रूल है आपका सब्सक्राइब करने का, दूसरा है लाइक करोगे ठीक, तीसरा है शेयर करोगे, और नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिलेगा, ये नोटिफिकेशन भी यूट्यूब चैनल का हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा ठीक, कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप के माध्यम से आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, सेपरेट है ना, तो आपको मिलेगा ठीक, सेपरेट हम वीडियो लेकर आएंगे, सिर्फ उसको अब कम कर दिया गया, न्यूनतम फीस 599 रुपए था, उसको अब मात्र 499 रुपए कर दिया गया है, इससे कम 1 रुपया नहीं हो ठीक। लास्ट का 499 रुपए जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा ठीक है जी, सेकंड बात क्या है, आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो को देखोगे, वीडियो को कई बार देख सकते हो, 2 बार, 3 बार, 10 बार वीडियो को देख सकते हो ठीक है। बहि दर्शन विधि का प्रतिपादन किया, तो बहि दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है, जेबी वाटसन, वुड, स्टाउट या स्किनर, 31 का आसन कौन सा हो जाएगा, जेबी वाटसन, ऑप्शन ए ओके। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ऐसा यह क्यों, अब मान लीजिए कोई साइकिल चलाने वाला जो स्कूटर चलाना कैसे सीख लेता, शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक या धनात्मक, तो 32 का आंसर आप सभी को मालूम होगा, जब सफल होने के लिए क्या करते हो, मोटिवेशन देखते हो, सफलता करते हो है ना, पॉजिटिव विज़न, उसी प्रकार आपका धनात्मक ठीक। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, जेबी वाटसन, वुड, स्काउट, स्नेयर, तो इसका आंसर ये होगा जी, सॉरी इसका आंसर बी होगा, वुड,
पूछा क्या गया है, तो बही दर्शन विधि, बही दर्शन, ठीक, बही दर्शन विधि। तो बही दर्शन विधि पूछा गया है जिसमें आपका प्रतिपादन हुआ, ठीक है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अंततः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वो, स्काउट मैकडूगल स्किनर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 का वोट, ठीक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। देखिए जो किशोरावस्था होती है वो सबसे बड़ा संघर्ष का है, तनाव का है, तूफान की अवस्था है, या किसने कहा, तो किसने कहा है, थार्न डाइक, स्किनर, फ्रॉयर, स्टेनलेगो हॉल। कितने लोगों का आंसर आ रहा है आप बताइए। अंत में मैंने आप सभी को 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को कितना नंबर आया है, 15, 20, 30, जितने लोगों का जितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके बताएंगे पहली बात, दूसरा है जितने लोगों को गलत हुआ है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तीसरी बात क्या है जी, वीडियो देखो और क्या, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 34 का आंसर स्टेलने, हाँ इसका आंसर डी होगा। चलिए अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, अब बताइए अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, कौन सा होगा, ए बी सी या डी, कमेंट करके बताइएगा। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन, इसका आंसर होगा टीचर का, टीच नर, है ना, ये ऐसा लिखते हैं टीच नर, ठीक, टीच नर, मैं तो खंडित के लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए टीच नर आए, ठीक। 36 का एक टी ए टी मतलब देखिए जी, टी ए टी की व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, अब बताइए, व्यक्तिनिष्ठी, अप्रेक्षी, या अर्धप्रेक्षी, या प्रक्षेपी विधि, तो क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताओ, है ना, हर बार तो मैं ही बता रहा हूँ, आप ही लोग बताओ। प्रक्षेपी, आंसर डी, प्रक्षेपी विधि, याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जो शिक्षा है हमारा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति, चेतना का असीमित, मस्तिष्क का बौद्धिक, क्या आएगा, 37 का आपका आंसर क्या होगा, तो 37 का आपका आंसर होगा है क्या होगा, बी, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएगा, ठीक। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करोगे, लाइक तो करना ही है जी, क्या है वीडियो आप देखो या ना देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल आप वीडियो देखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सही बात है। तो वीडियो को इसका पार्ट 5 वीडियो आएगा, है ना, कल मिलेगा आपको, ठीक। तो कल इसका इंतजार करिएगा पार्ट 5 का, ठीक, लाइक अवश्य करें ना, लाइक करिए। कितना क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और बचा है क्या। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थागत स्थित है, संस्थान स्थित है, फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो 38 का आंसर आपको होगा हैदराबाद, बी, ठीक। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, कब हुआ है, 15, 16, 17, 18। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916, याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तालमेल का चिन्हन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है, चिन्हन गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्हन सार्थकता सिद्धांत, सप्रयोजन, या उपरोक्त सभी। तो 40 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर डी, ठीक। इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता, बाल विकास का प्रतिपादन, भारत में मनोविज्ञान के जनक, बाल विकास की शुरुआत, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये कैसी अवस्थाएं, सब बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसको याद रखना। बाल अवस्था की कितनी, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं,
शैशव बाल किशोर कौन अवस्था, एस बी केपी, याद रखना। अब बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक का नाम है बाल विकास, है ना। तो टोटल हमने तो 40 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आपका अगर 10 क्वेश्चन बन गया तो आप बोलेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो आज फिलहाल इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा जी, चैनल को अवश्य शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटर की क्लास भी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। मैथ्स देखिए, एक आप याद नोट करते चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। मैथ्स की क्लास आपकी 3 से 4 दिन के बाद हम देख रहे हैं, और कंप्यूटर का लगातार रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बाल मनोविज्ञान का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, छत्तीसगढ़ का इसका 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा इतिहास से, वो भी आपको मिलेगा। बाकी करंट अफेयर आप लोग देख लेना, करंट अफेयर आप लोग देख लेना जी। थैंक यू।